ये दो मुलाजम जा रहे हैं, ये पुलिस वाले दिखाएं जरा, ये दिखाएं, इनका नहीं होगा चलान, ये पेटी भाई है, जाति दुश्मनी है, ये जाति दुश्मनी, लेकिन उन्होंने बिहेव इस तरह किया आते साहब, बदतमीजी से डील किया है, तेनु मैंने दसी है, तेनु पंजाबी में डील कर रहे हैं, हम देखें हम स्टूडेंट आउट ऑफ सिटी आए हैं, कुछ तो रिलीफ दें, हम उर्दू में बात कर रहे हैं, किसा पंजाबी, पंजाबी में सीधे हो गए हैं हमारे साथ, जी बदतमीजी कर, आराम से बात करते हैं, कोई इखलाक का तेनु दसिया तू करना है, मैं तेरा ये कोई तरीका नहीं है चलान, ये भी नहीं बता रही है, हमने उसे पूछा है, हमने कहा चलान तो बताए, आगे से कहते हैं तेनू कहा तो दसी असी तेरे सरकारी नौकर, हेलमेट पे आए हैं, जिगे जाए वो पीछे मार की जाए, हेलमेट चेक करें किस लेवल का है, वो आपको बचा सकता है, करने वाली यार बात करो, जिधर इंटरव्यू करना है पहले उधर जाओ, उसको ठीक करवाओ, फिर इधर हमारे पास आओ, बाइक देखे ना वो 40 दिन इनको दिए जाते हैं, वो पहले सीखें, पहले सीखें, हाँ अच्छे तरीके से ट्राई दें, उसके बाद लाइसेंस प्रॉपर सीखेंगे काम, वो ट्रेनिंग सेंटर पे सीख ले, आप ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ने भी ट्रेनिंग सेंटर बना दिए हैं। नाज़रीन जीपीओ चौक हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हूँ आज, और हमारा आज का जो प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो है हेलमेट को लेकर, यानी कि हेलमेट कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, जैसे कि हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं और सीटीओ साहिबा के ऑर्डर हैं कि आप लोगों ने हेलमेट ज़रूर पहनना है, अगर ऑन व्हील है, बाइक पर है, तो हेलमेट ज़रूरी है आपके लिए, ये आपकी एक सेफ्टी भी है हेलमेट पहनना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कितने लोगों ने हेलमेट पहना है, और कोई सरकारी अफसर है या सरकारी ड्यूटी मुलाजिम है क्या वो भी हेलमेट पहनते हैं, या हेलमेट के बगैर गुजर जाते हैं। यहाँ पर हमारे जो ट्रैफिक वार्डन एहलकार हैं जवान, वो भी मौजूद हैं, चलान पे चलान हो रहे हैं, जाहिर सी बात है जो हेलमेट नहीं पहनेगा, वॉयलेशन करेंगे उसको चलान होगा। तो चलते हैं, बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। इन दो भाइयों को भी रोका गया है और ऑन व्हील है, हेलमेट नहीं पहना, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, क्यों रोके आप, लाइसेंस नहीं है, वैसे लर्नर बना हुआ है, लर्नर है, और हेलमेट भी है आपके पास, हेलमेट भी पहना हुआ था, फिर क्या हुआ है, लाइसेंस नहीं है सर, तो बाइक का तो लर्नर है, लर्नर पे चल जाती है बाइक, तो वो नहीं ना मान रहे इस चीज़ को, वो नहीं मान रहे, पुलिस वाले नहीं मान रहे, आपके पास है लर्नर, दिखाएं जरा, एक्चुअली मोबाइल में सेव है, वो मोबाइल में सेव है, अच्छा लर्नर नहीं, बस लाइसेंस भी है, अच्छा वो बाइक कौन चला रहा था, बाइक ये चला रहा था, हेलमेट भी है, लर्नर भी है, मेरे पास लाइसेंस भी है, वापस जाएंगे तो उसके बाद ही बनाएंगे, तो ड्राइविंग टेस्ट देके, अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, उस पर किसने रोका था, हमने उन्हें बोला भी, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, रिजवान साहब ठीक है, अच्छा क्या वॉयलेशन है आजकल जो हेलमेट नहीं पहन रहे, सीटीओ साहब के भी सख्ती से ऑर्डर है हमारा साहब के, तो हेलमेट ना पहने उसको 2000 का चलान है, इनका क्या 2000, इनका भाई के पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस लेके नहीं, लाइसेंस है लर्नर लाइसेंस, बाइक नहीं वैसे चला सकते, वो सीखने के लिए होता है, पहले ये सीखें तो उसके बाद ये ना रेगुलर बनाए, अब तो एक दिन में लाइसेंस बन जाता है, इनको चाहिए कि वो बनाए लाइसेंस, लर्नर का ये मतलब है कि आपको जाननामा तो मिल जाता है ना, आप बाइक चला सकते हैं, लर्नर बाइक वैसे लर्निंग पे चला सकते हैं, नहीं बाइक देखे ना वो 40 दिन इनको दिए जाते हैं, वो पहले सीखें, पहले सीख, हाँ अच्छे तरीके से ट्राई दें, उसके बाद लाइसेंस प्रॉपर सीखेंगे काम, वो ट्रेनिंग सेंटर पे सीख ले, आप ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ने भी ट्रेनिंग सेंटर बना दिए हैं, भैया आपको चलानी नहीं आती, फाइन नहीं आती है, अच्छा लेकिन ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ वे से है, मतलब आउट ऑफ सिटी, हमें थोड़ी सी फेवर दे देंगे, हम लाइसेंस बना लेंगे, ये चला लेते हैं बाइक, अब हमें अभी के लिए वार्निंग दे कर दें, ये चला लेते हैं, इनके पास लाइसेंस बना हुआ, मैंने कहा मैं चला लेता हूँ, जाति दुश्मनी है, जाति दुश्मनी, लेकिन उन्होंने बिहेव इस तरह किया आते साहब, बदतमीजी से डील किया है, तेनू ऐसे दसी है, तेनू पंजाबी में डील कर रहे हैं, हमने कहा हम स्टूडेंट आउट ऑफ सिटी आए हैं, कुछ तो रिलीफ दें, पंजाबी के साथ आप उर्दू में बात कर रहे थे, वो आपके साथ पंजाबी में, हम उर्दू में बात कर रहे हैं, आपके साथ पंजाबी, पंजाबी में सीधे हो गए हैं हमारे साथ, जी बदतमीजी कर, आराम से बात करते हैं, कोई इखलाक का तेनू दसिया तू करना है, मैं तेरा ये कोई तरीका नहीं है, चलान ये भी नहीं बता रही है, हमने उसे पूछा है, हमने कहा चलान तो बताए, कहते नहीं तेनू वही चलान कटना है जेड़ा अपना सरकारी है, तेनू आगे से कहते हैं तेनू कहा तो दसी असी तेरे सरकारी नौकर, ये बाइक को रोका गया है क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं है, लर्निंग है, मेरा ख्याल है कि आजकल 100 में से 80% जो है ना बाइकर हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होगा, लर्निंग ही होगा ज़्यादातर, और ज़्यादातर जो चलान हो रहे हैं वो हेलमेट को लेकर हो रहे हैं, और हेलमेट कितना ज़रूरी है लाहौर में, और इस जो रोड पर आप गाड़ी चलाते हैं तो जाहिर सी बात है हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए, अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हेड इंजरी भी हो सकती है और हादसे का शिकार भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे ब्रदर, कैसे हैं आप, ठीक है, हेलमेट का चलान किया गया, ये देखें ये दो मुलाजम जा रहे हैं, ये पुलिस वाले दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं, इनका नहीं होगा चलान, ये पेटी भाई हैं, इनका चलान नहीं होगा,
वो जूम करके दिखाए मेरा कैमरा मैन अगर आपको। पुलिस वाले जा रहे हैं पंजाब पुलिस यूनिफॉर्म में और उनके पास तो हेलमेट भी नहीं है, और आईजी साहब ने सख्ती से कहा है सबसे पहले मेरे जवान हेलमेट पहनेंगे, मेरे पुलिस वाले हेलमेट पहनेंगे, और अगर यूनिफॉर्म में हो तो ये कानून की पासदारी करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कानून की पासदारी हो रही है और ये हेलमेट पहन रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद था वो था आज इस वीडियो को लेके कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है, और इस जो रूल को ज़्यादा फॉलो कौन कर रहा है आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आम आदमी ज़्यादा फॉलो कर रहा है या पुलिस के जवान ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इस रूल को। दो पुलिस वाले मैंने आपको दिखा दिए हैं जो कि बग़ैर हेलमेट के यहाँ से गुजरे हैं, और हमारे ट्रैफिक वार्डन वालों ने ज़रा भी नहीं रोका उनको कि भाई आप साइड पर लगा लो, हम आपका भी चलान कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ आम आदमी को चलान होगा जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होगा, पुलिस वालों को कभी नहीं होगा। और अक्सर हम ये दिखाते रहते हैं ताकि थोड़ी सी शर्म कर लें यार, पंजाब पुलिस यूनिफॉर्म की हम बड़ी इज्जत करते हैं। आईजी साहब ये आपका डिपार्टमेंट है, और यकीन माने आपके ऑर्डर की भी धज्जियाँ उड़ा दी हैं पुलिस वालों ने, हेलमेट नहीं पहनेंगे ये, सिर्फ आम आदमी के लिए हेलमेट है, हेलमेट नहीं पहनेंगे आपको 2000 का चलान होगा। और हेलमेट तो एक ज़रूरी चीज़ है आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन ये पुलिस वाले नहीं समझेंगे, वो बग़ैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिलें चलाएंगे, बग़ैर हेलमेट के वो ऑन व्हील होंगे यानी कि ड्राइविंग करेंगे, लेकिन हेलमेट पुलिस वाले कभी नहीं पहनेंगे, सिर्फ आम आदमी पहनेंगे और ये चलान करवाएंगे अपना अगर ये पहनेंगे नहीं। तो मज़ीद दिखाऊंगा मैं आपको कि कितने पुलिस वाले हैं जो कि हेलमेट नहीं पहनते, बग़ैर हेलमेट के बाइक चलाते हैं। मेरे साथ रहिएगा। ये भाई कह रहे हैं जी 2000 रुपये आजकल के दौर में कमाना बहुत मुश्किल है, तो 2000 का चलान हो रहा है, ये सरासर ज्यादती हो रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहूँगा कि 2000 रुपये तो एनएफ है, हाईकोर्ट के ऑर्डर है भाई, क्या हाईकोर्ट के ऑर्डर है, क्योंकि जिन्होंने ये चलान किया है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। आम बंदा आपके ख्याल से ये सारे एक जैसे हैं? आप मुझे ये बताएं ये सारे एक जैसे हैं? कोई ज्यादा कमाने वाला, कोई कम कमाने वाला, हो सकता है उसके पास 2000 रुपए ना हो। क्या आप ये सजा दे रहे हैं? जानो माल का नुकसान होता है ना, हम लोग भी ठीक नहीं है, हम लोग 500 का हेलमेट लेके पहन ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हम हेलमेट नहीं पहनेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा ही नुकसान है। सेफ्टी के लिए मुस्तकीन पे चलने वाले लोग हैं हम, लोगों को नान खिलाने वाले लोग हैं हम। ये बंदा अगर किस लेवल के हैं, आपने हेलमेट पे आए हैं जिगे जाए वो पीछे मार की जाए, हेलमेट चेक करें किस लेवल का है, वो आपको बचा सकते हैं? करने वाली यार बात करो, जिधर इंटरव्यू करना है पहले उधर जाओ, उसको ठीक करवाओ, फिर इधर हमारे पास आओ। भाई मैं तो आप काम का नहीं है, आप हमारे लिए नहीं आए, मैं तो पुलिस को पकड़ी ताकि जो पुलिस हेलमेट किधर पकड़ेगी, वो गए या दो उन्होंने क्या किया? मैंने दिखाया तो है ना, मैंने अपना फर्ज पूरा नहीं, उन्होंने क्या, मैं उनको रोक तो नहीं सकता, पुलिस वालों को मैं तो नहीं रोक सकता, ये रोक क्यों नहीं रोका इन्होंने? ये इनसे हमारे से सवाल करने से पहले मैंने पूछा करें कि क्यों नहीं रोका उसने भाई, उन्हें आपके पेटी ना उनके पेटी पूछे इन्होंने उसको क्लियर क्यों नहीं रोका, ये यूज करने के लिए हेलमेट है कि नहीं? सुन ले मसला है, अगले बंदे की सुननी नहीं है, अपने बोली जानी है। मेरी जो आज की वीडियो है वो पुलिस के मुतल्लिक है, क्या हमारे पंजाब पुलिस वाले हेलमेट पहनती है या नहीं, क्योंकि हेलमेट एक जरूरी है, हाईकोर्ट के भी ऑर्डर हैं, पंजाब पुलिस के जो आईजी साहब हैं उनके भी ऑर्डर हैं कि हमारे पुलिस के जवान भी हेलमेट पहने, अगर नहीं पहनेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और उनका चलान भी होगा बकायदा 2000 का। लेकिन यहाँ पर तो यकीन माने अगर किसी से सवाल करते हैं तो उल्टा हम पर ही पड़ जाते हैं। खैर, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि ये इनके पेटी भाई हैं, अगर पेटी भाई इनको सपोर्ट करेंगे तो फिर कैसा चलेगा? मेरे साथ रहिएगा आज के इस वीडियो में, आपको दिखाऊँ।